वो क्या कहते हैं ना, दिल विच जाके ठंड पै जाती है। तो मैं फॉर्म को सुलाने के चक्कर में इतना टाइम लग गया कि मैं अपनी चाय भूल गई। एक बंदे ने, मैं तो देखो आपकी बहन की बेइज्जती हो जानी है, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। और आप मुझे सब्सक्राइबर की तरफ से नहीं काटूंगी, साइड में से कट करती हूँ। तो मैंने देखो आप लोगों के प्यार मोहब्बत में ना साइड में से केक की ना कटिंग सेरेमनी की थी। तो खैर एंजॉय करें, टेंशन ना लें। अच्छा हुआ आज मौसम ठंडा है, मतलब जब जब मैं जैकेट पहनाऊँ ना ले में, बस जब जब ठंडी रखना, ऐसा ना मैं बच्चे को जैकेट पहना के भेजूँ और गर्मी हो जाए उसी दिन। बाय बाय, लव यू। हेलो, तो वेलकम बैक टू अनदर डे हियर से द नॉर्थ वकार एंड वाचिंग बोलना से बोल। तो बच्चे जो है ना आज वकार के साथ गए, क्योंकि वकार को जाना था जल्दी ऑफिस, तो वकार ने कहा मैं छोड़ कर आऊँगा, तो इसलिए मैं नहीं गई। मैंने कहा अगर वकार चले जाएंगे ना बच्चों को छोड़ा, तो मैं मजे से सोऊंगी चिल मार के। और अब जो है ना मुझे हल्की हल्की नींद आ रही है, और हल्की हल्की मेरी नींद उड़ गई थी। चलो मुँह धो, नाश्ता करूँ और टीवी देखने बैठ जाऊँ, या फिर कोई फिल्म लगा लूँ, या फिर जो है ना मैं अपनी जो बकाए मेरी एडिटिंग शेडिटिंग है वो कर लूँ। तो देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, आप लोग रहना मेरे साथ। जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो दोस्तों, मेरे साथ रहो, लेट्स स्टार्ट अ न्यू डे विद द न्यू वाइब्स। ये देखो जरा वकार ने अपना नाश्ता भी पूरा नहीं किया है। मैंने जो है ना अपने पानी में ना आइस क्यूब्स मिला लिया है, और सुबह सुबह मैं ये ठंडा पानी पीने लगी हूँ। और मैं मोस्टली जो है ना ठंडा पानी नहीं पीती हूँ सुबह, तो खासकर मैं नरम गरम ही पानी पीती हूँ, क्योंकि यार दो दिन से ना ऐसी घबराहट हो रही है, अजीब सी घबराहट हो रही है। तो अजीब सी घबराहट को दूर करने के लिए ना मैं इसमें क्या करती हूँ, बर्फ़ डाल देती हूँ, तो थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाता है। वो क्या कहते हैं ना, दिल विच जाके ठंड पै जाती है। तो अस्सलामुअलैकुम अफ़ा, यू रिमेंबर टुडे बाबा गोइंग विद यू। ब्राउन ब्रेड को पहले मैंने क्रिस्पी किया, क्रिस्पी करने के बाद आलू पालक जो है ना उसको अच्छे से भून के उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया, और फिर ये आप सुबह सुबह खाए नाश्ते में चाय के साथ। ओए होए होए, तो ये मैं खाने लगी हूँ, करने लगी हूँ अपना नाश्ता। इस लड़के ने ना सिर्फ पापा खाया और ना पराठा नहीं खाया, इतना नाच नाच के ना अफाम सा पराठा खाया कि सबके बच्चों को ऐसे नाच नाच के खिलाना पड़ता है। अफाम मोनू अफाम अफाम ओके ओके ला, हर बाइट में मुझे बोलना पड़ता है लास्ट लास्ट कर। नींद में हो रहा है ये बच्चा, बट मजा ले सो जाए, फिर शाम में सोएंगे, फिर रात में उठेंगे, फिर रात में सोएंगे दोबारा। मैं कहती हूँ दिन में जल्दी सो ताकि जल्दी उठो शाम में। तो जी बहुत समझने के बाद ना मैंने आज खाने में बनाया है अंडे आलू का सालन। अंडे मैंने सुबह ही बॉयल कर लिए थे, क्योंकि वकार को आज जल्दी आना था दोपहर में खाने पर, तो उन्होंने कहा था मैं आ रहा हूँ, तो मैंने फटाफट जो है ना रोटियाँ बनाई। ये मैंने ऊपर से छिड़का जी धनिया सालन के ऊपर, और गर्मा गर्मा रोटी बना के मैंने नोश फरमाई अपने पति देव को, ताकि वो जल्दी जल्दी खाएँ और जल्दी जल्दी सेहतमंद बन के काम पे जाएँ। तो ये हमारा दोपहर का खाना था आज। वी वर्क फिनिश देन वी विल प्ले, ओके। ओए कम अफाम, सी वर्क नहीं हुआ अभी तक यार, घंटे हो गए, इतने सारा वर्क तो टीचर ने दिया था। मेरी चाय फिर से ठंडी हो गई, मैं फॉर्म को सुलाने के चक्कर में इतना टाइम लग गया कि मैं अपनी चाय भूल गई। कल भी मेरी चाय ठंडी हुई थी, आज भी ठंडी, आज मैं इसको गर्म नहीं करूंगी, आज तो मैं इसको ठंडा ठंडा ही पीऊंगी बस। ओ वाओ, तो पूरा रेड लेकर आया करूं। आ जा, आ जा ना, क्या कर रही हो नहीं तुम, करते हो तू आ जा, तू अरे तो आ तो जा, मैं केक काट लूँ ऐसे। हाँ तो बर्थडे थोड़ी तुम्हारी है, उनके सब्सक्राइबर है ना, तुम्हें ही करना चाहिए अकेले सेलिब्रेट करें जरूर। तो जी दुनिया वालों, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो गए यूट्यूब चैनल पे। मैं केक काटने लगी थी, मैं सब्सक्राइबर्स को काटने लगी थी, फिर मैं दिल पे छुरियां चली, मैंने कहा नहीं नहीं सब्सक्राइबर की तरफ से नहीं काटूंगी, साइड में से कट करती हूँ। तो मैंने देखो आप लोगों के प्यार मोहब्बत में ना साइड में से केक की ना कटिंग सेरेमनी की थी, बट फिर इन द एंड वही हुआ कि पूरा केक जब कट पिट गया तो फिर सब कुछ कट गया, तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। बट स्टार्ट जो मैंने किया था ना देखो साइड में से किया था, सब्सक्राइबर के ऊपर पहली छुरी नहीं मारी मैंने। तो खैर मैं अकेले केक काट रही थी, क्योंकि मैंने वकार को बोला आ जाए केक काटने,
तो वकार आई नहीं, वकार ने कहा तुम काटो, तुम्हारा चैनल है, तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं, तुम्हारी खुशी है। तो मैंने बोला सिर्फ क्लैपिंग करने के लिए कोई आ जाए, बट ना अली रजा आया ना वकार आए, दोनों के दोनों ने मुझे ना रेड लाइट दिखा दी। वकार ने बोला 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर कौन केक काटता है। मैंने कहा यार मुझे इतनी खुशी हो रही, मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं 100 के ऊपर ना केक काटूं, बट उस टाइम पे मैंने काटा नहीं जब मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हुए थे। तो खैर मैंने उनके जाके ना उन लोगों को मैंने मुंह मीठा कराया, मैंने कहा मुंह तो मीठा करें आप, जरा मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। तो वरना अली राजा भी मुझ पे हंस रहा था और वकार भी, दोनों के दोनों मुझ पे हंस रहे थे कि भाई 1000 पे कौन केक सेरेमनी करता है। मैंने कहा यार मेरी छोटी छोटी खुशी है, मेरा दिल चाह रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैंने अपनी खुशी को सेलिब्रेट किया अपने चुन्ने मुन्ने से अफाम के साथ, जो कि मेरी हर वीडियो में आपको नजर आता है, मेरा बॉडीगार्ड बना हुआ होता है हर वीडियो में मेरे साथ होता है। तो इसलिए मैं केक खा रही थी, देखो एक एक बाइट ले रही थी मैं, और आप लोगों का नाम ले रही थी, आप लोगों के नाम के साथ मैं एक एक बाइट ले रही थी, आप मुझे याद थे हर जगह पर। तो खैर केक सेरेमनी हो गई थी, हमने खा पी लिया था, उसके बाद मेरी जो चाय शाम में ठंडी हुई थी ना, तो मैंने वकार को कहा कि प्लीज मुझे यार चाय ला के दे गर्म वाली, ठंडी पी थी, तो बेचारों ने मुझे जाके चाय ला के दी फौरन से उन्होंने। आप लोग टेंशन ना लो, मैंने ना एक एक का सोच सोच के ना एक एक बाइट खाई है। अब जितने भी 1000 लोग हैं ना, उन सब के नाम की एक एक हिस्से की ना मैंने बाइट खाई है। जो जो मुझे लाजमी कमेंट करते हैं उसका तो नाम मुझे याद है। इसी तरह से मेरे साथ बने रहना, और थैंक यू सो मच एक बार सबका फिर से शुक्रिया दिल से। और ना पता है क्या एक और बात, हाँ मैं बार बार ना अपना वो जो है ना चैनल जो है ना वो चेक किए चले जा रही हूँ, सब्सक्राइबर चेक किए चले जा रहा हूँ, अल्लाह ना करे किसी ने अनसब्सक्राइब कर दिया तो 1000 से वापस 999 हो जाएंगे। तो मुझे इतना कोई खौफ आ रहा है इस चीज से, प्लीज देखो देखो बेमानी मत करना मेरे साथ। मैंने बड़ी मुश्किलों से ना केक शेक सब काट लिया, सेलिब्रेशन कर दिया और सबको बता भी दिया, और ना वो टैग भी लगा दिया, थंबनेल भी बना दिया, सब कुछ बना दिया। और अगर किसी ने मुझे अनसब्सक्राइब किया ना किसी एक बंदे ने, मैं तो देखो आपकी बहन की बेइज्जती हो जानी है, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। और आप मुझे पता है आप लोग ऐसा नहीं चाहोगे, मजीद बढ़ाओ, बल्कि मजीद बढ़ाओ कि अगर कोई अनसब्सक्राइब कर भी दे, अल्लाह ना करे गलती से किसी का बच्चा है ना, किसी के बच्चे के हाथ में मोबाइल है और क्लिक कर दे और अनसब्सक्राइब हो जाए, जैसे मेरा बच्चा अक्सर करता है। मेरा जो बच्चा है ना अफाम के हाथ में मेरा अगर मोबाइल होता है ना, तो अफाम क्या करता है, जैसे मेरे यूट्यूब में जाता है ना, सबसे पहले जाके मुझे अनसब्सक्राइब कर देता है। उसको नहीं पता कि सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब का बटन है, बट वो बच्चे होते हैं ना खेलते खेलते वो चेक करते करते टच स्क्रीन तो है, अनसब्सक्राइब हो जाता है। आप लोग अपने बच्चों के हाथों में ना मोबाइल ही देना जब तक कि मैं थोड़ी सी और आगे ना बढ़ जाऊं, प्लीज। हाँ दोस्तों इज्जत रख लेना थोड़ी सी मेरी। तो चलो मैं रखती हूँ, अच्छा चलो मैं रखती हूँ क्या, चलो मैं करती हूँ आज का दिन खत्म, फिनिश कर, लास्ट दी एंड, और मिलेंगे टुमारो को नए दिन के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए अपनी बहन को इजाजत, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर दुनिया वालों, चिक 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 चिका।